यूपी 33, जिला रायबरेली, जिसका नाम ही काफ़ी है उसकी पहचान बताने के लिए। जहां लोगों का मिजाज रंगबाजी वाला होता है, जहां चाचा विधायक हैं हमारे, यह सुनने को मिलता है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रायबरेली जिला के कुछ अहम बातों पर। हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के इस छोटी सी जिले के बारे में कुछ खास बातें। कहने को तो ये छोटा है, लेकिन किसी से कम नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। रायबरेली जिला कब और कैसे बना, यह जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। 1857 का पर्याप्त सेना विद्रोह का प्रभाव रायबरेली पर पड़ा। राणा बेनी माधो द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए विद्रोह ने स्थानीय प्रशासन की पूरी नींद उड़ा दी। इसलिए लखनऊ से 45 किलोमीटर दूर प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को एक नए जनपद की जरूरत पड़ी, और वहां इस जरूरत को महसूस करते हुए उन्होंने स्थानीय राजाओं को पराजित कर उन्हें मृत्यु के घाट उतारने की एक भयंकर साजिश रची। अंग्रेजों ने चतुराइयों से लौटे स्थानीय राजा हरिप्रसाद जी को दरिया के बाद किले में घेर कर मार दिया, जिसके बाद 1858 में रायबरेली को एक जिले के रूप में स्वीकृत मिली। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, उसमें हम रायबरेली की पूरी जानकारी आपको देंगे। धन्यवाद।